हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों को अपना खुद का वेब पेज बनाना सिखाऊंगा, वो भी नोटपैड के थ्रू। इधर से बना के कैसे सेव करके खुद का वेब पेज बनाया जाता है। देखो, मेरे पास ऑलरेडी एक वेब पेज बनाया हुआ है, लेकिन इससे भी हाई लेवल में आप लोगों को सिखाऊंगा। इधर देखो, ये मेरा वेब पेज है, दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज। ओके, तो ऐसा आप लोगों को भी सिखाऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहो। ईजी है, बहुत ईजी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं, इसको डिलीट मारते हैं। तो पहला काम, पहले कैप्स लॉक को ऑन कर लो कीबोर्ड में। ओके, दिस इज माय फर्स्ट, दिस इज माय फर्स्ट, कुछ भी कर दो। ओके, फर्स्ट पेज। ओके, नीचे लिखो ब्लू कलर, COLOR। इधर कलर का स्पेलिंग ब्लू, COLOR होगा। ओके, उसके बाद HTML ओपन करना बोलता है। ओके, इसको HTML ओपन करना बोलता है। इसके बाद हेड, इसको क्लोज करना बोलता है। ओके, क्लोज अभी नहीं हुआ, TITLE टाइटल। ओके, वेरी गुड। ये देखो, शिफ्ट दबा के करना होगा। ओके, माय फर्स्ट वे पेज। ओके, वेरी गुड, दिस माई फर्स्ट। उसके बाद टाइटल को क्लोज करना पड़ेगा, देखो ओपन जब किया हो ना, तो उसको क्लोज भी करना पड़ता है। ओके, चुपचाप देखते जाओ, आप लोग भी चेक करते जाओ किसी। ओके, देखो अब बॉडी बीजी कलर मतलब बैकग्राउंड कलर। ओके, आप लोगों को अगर फुल फॉर्म नहीं पता है तो मैं बोल देता हूँ, बीजी कलर मतलब बैकग्राउंड कलर, बीजी COLOR। इधर कलर स्पेलिंग थोड़ा गलत लगेगा आप लोगों को, गलत नहीं है। ओके, गलत मत समझ लेना। उसके बाद सियान, एक कलर का नाम है। ओके, जितना हो सके स्पेस मत देना। ओके, स्पेस देने के लिए बहुत गलतियाँ हो जाता है। उसके बाद सेंटर, सेंटर मैंने मिडिल में क्या होगा, CENTER। ओके, इसको ब्रैकेट क्लोज करना बोलता है। उसके बाद H1 है, H1 का मतलब आप लोग पूछोगे H1 अब क्या चीज़ है। H1 होता है, देखो समझाता हूँ, इक्वल टू के पहले कोई भी स्पेस मत देना। ओके, H1 का मतलब हाईलाइट करना होता है। ओके, हाईलाइट कुछ भी हाईलाइट करना होगा तो H1 करना। उसके बाद मार्क्यूट करना है। ओके, MARQUEE मार्क्यू डायरेक्शन, मार्क्यू डायरेक्शन इक्वल्स टू लेफ्ट। उसके बाद ये RGCSM, उसके बाद राइट, उसके बाद MARQUEE, ये होगा। ओके, इसको क्लोज करना बोला जाता है। उसके बाद यू, यू मतलब अंडरलाइन होता है। ओके, जिन लोगों को पता नहीं इसके लिए बोलना, जिसको पता है वो तो अच्छा है। इज माय फर्स्ट वेब पेज। ओके, उसके बाद क्या करना है, अंडरलाइन क्लोज करना होगा। ओके, वेरी गुड। उसके बाद देखो H1, फॉन्ट को भी क्लोज करो, आप लोग चेक करते रहो। ओके, देखो कैसे पूरा पूरा तरीका दिखा रहा हूँ, आप ही आपके कंप्यूटर में ऐसे ही करना। ओके, पूरा ऐसे ये वाला प्रोसेस, H2 हाईलाइट, 2 फॉन्ट कलर, देखते जाओ कहीं किधर गलती नहीं तो हुआ ना। ठीक है, देखो ब्लू हुआ। उसके बाद आई, आई का मतलब क्या होता है आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, इटालिक फॉन्ट। ओके, फॉन्ट का नाम है आई, दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज। फर्स्ट वेब पेज, उसके बाद इटालिक फॉन्ट क्लोज। ओके, मतलब क्लोज नहीं करोगे तो होगा कैसे, वही तो हुआ, जस्ट देखते जाओ। उसके बाद इटैलिक फॉन्ट क्लोज करने के बाद इसको भी तो क्लोज करना होगा ना, H2 को, हाईलाइट 2 को क्लोज करना पड़ेगा। उसके बाद
फोन को भी क्लोज कर देते हैं। चलो उसके बाद A3 को ओपन करते हैं। ओके COLOR फॉन्ट कलर इक्वल्स टू RED। ओके देखते जाओ जस्ट। ओके उसके बाद बी इसको देखो दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज। उसके बाद बोल्ड बी का मतलब होता है बोल्ड। बोल्ड को क्लोज करो। ओके दिस इज माय फर्स्ट वेब। देखो पहले दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज लिखा इधर गैप गया। गलती जहाँ करोगे ना उसके लिए बहुत कुछ हो सकता है। दिस इधर देखो एक गलती किया। दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज। ओके दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज। ओके उसके बाद देखो हुआ। उसके बाद देखते जाओ चुपचाप देखते जाओ कितना बढ़िया से करूँगा। देखो उसके बाद ये हुआ इधर H3 इसको क्लोज करते हैं ना। उसके बाद H4 ओपन करो। इसके बाद दिस इज पेज। दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज। ओके उसके बाद देखो H4 को क्लोज करो। H4 क्लोज करो उसके बाद H5। ओके दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज। ओके उसके बाद H5 को क्लोज करो। क्लोज करने के टाइम गलती मत करना। ओके इधर एक स्पेस लग गया ना। नहीं ठीक है करेक्ट है। ओके इधर देखो एक गलती हो गया। गलती जितना करोगे उतना तुम्हारा काम बढ़ेगा। ओके तो ध्यान से सावधानी से। ओके H5 क्लोज करने के बाद दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज। उसके बाद नीचे जाओ। नीचे जाने के बाद IMG इमेज SRC इमेज IMG SRC इक्वल्स टू ये जो ओपन किया। इसके बाद एक मैजिक चीज़ देखो। अगर आप लोग कोई इमेज का एड्रेस लेना चाहते हो तो देखो जैसे कि मैं इधर गया मेरा कोई सा भी इमेज मैं लेना चाहता हूँ। अब देखो जस्ट माय ओन पिक्चर्स। अगर मैं ये वाला इमेज अगर बनवाना चाहता हूँ ये वाला इमेज नहीं ये वाला भी इमेज नहीं ऐसा कुछ इमेज जिसमें मैं खुद हूँ। ओके ये वाला भी नहीं मतलब एक ऐसा इमेज सिलेक्ट करो जिस इमेज से आप खुद हो वो पता चले खुद का प्रोफेशनल लगना चाहिए ना। ये तो मेरा बहन है। रुको एक सेकंड। देखो इधर कुछ नहीं आप लोगों को कोई भी एक इमेज मैं तो मेरे को तो पसंद ही नहीं आ रहा है कोई भी कोई सा भी एक इमेज सिलेक्ट करना होगा। ओके ये जरूर मेरा ही इमेज होगा। ओपन हो जाए यार डिस्टर्ब मार रहा है घटिया वाला लैग कर रहा है। ए वाला प्रोसेस को बाद में देखते हैं तब तक ठीक होने दो। इमेज IFC
लास्ट में सेंटर क्लोज करना पड़ेगा, बॉडी क्लोज करना पड़ेगा, एचटीएमएल क्लोज करना पड़ेगा, तो हो जाएगा काम। हो गया, समझ में आया कुछ? हाँ ये वाला देखो, अब इसको क्या करना होगा, ओपन विथ, इधर कोई भाषा भी एक ऐसा प्रोग्राम चूज करो जो, हाँ ये वाला प्रोग्राम। ओके ओके, इससे नहीं होगा ना। ओके ओपन विथ, क्रोम से खोल लो, एक ब्राउजर से खोलना पड़ता है। जब कोई काम करना चाहता हूँ ना, हाँ ये वाला चीज। देखो अब यहाँ से ये जो है ना, इसको कॉपी कर लो। इसको कॉपी करने के बाद इधर आ, इधर आके पेस्ट मारो। क्या पेस्ट मारने के बाद इधर ये करा, उसके बाद WIDTH वाइड वाइड करना होगा तुमको 200। वाइड इज इक्वल टू 200। अरे तुम थोड़ा पिक्चर बड़ा भी कर सकते हो, 200 ले लो, 250। ओके, और एच आई जी एस हाइट, हाइट ले लो 150। ओके हाइट 150, वाइड 250। उसके बाद क्लोज कर लो। ओके उसके बाद क्लोज करने के बाद सेंटर क्लोज करना होगा, TENTER। ओके सेंटर क्लोज, उसके बाद बॉडी क्लोज। ओके लास्ट में HTML क्लोज करना होगा। ओके HTML मतलब जो भी ओपन करोगे उसको क्लोज करना पड़ेगा, नहीं तो होगा नहीं। ओके ये सब काम होने के बाद एक बार चेक कर लो, मैं चेक लास्ट में करूँगा, पहले एक बार देख लेता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड। अब सेव एज में जाओ, हाँ सेव कर लो, देखना इसको डिलीट कर गए। माई सेकेंड ब्यूटीफुल वेब पेज। ओके माई सेकेंड ब्यूटीफुल वेब पेज, लास्ट में एक डॉट दे के छोटा छोटा कैप्स लॉक ऑफ कर देना, HTML कर देना और सेव कर देना। ओके देखना तुम्हारा काम हो जाएगा, और अगर गलती होगा तो गलती भी पकड़ सकते हो। देखो कैसे माई सेकेंड ब्यूटीफुल वेब पेज, कितना बढ़िया वाला कर दिया ना। देखो अब इमेज का साइज थोड़ा घटाना पड़ेगा। ओके इमेज का साइज थोड़ा घटाना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा हुआ है, लेकिन इमेज का साइज थोड़ा घटाओगे तो अच्छा लगेगा। एक सेकेंड रुको, दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज, बॉडी पीजी कलर, बॉडी पीजी कलर, बॉडी ब्लू कलर, ब्लू करना पड़ेगा, बीजी कलर, बॉडी बीजी कलर सियन। रुको इतना कुछ किया फिर भी आ क्यों नहीं रहे? एक सेकंड रुको, बॉडी बीजी कलर, इसको अगर बड़ा में करोगे तो बड़ा में ही करना होगा। ओके बॉडी बीजी, ओके बॉडी बीजी कलर इक्वल्स टू ब्लू। ओके दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज, हुआ हुआ हुआ। ओके लास्ट में क्या गलती किया, हाँ इधर है हाइट है ना, हाइट को थोड़ा घटाना पड़ेगा, ये 200। ओके अब इसको सेव कर देता हूँ, इसको फिर से ओपन करता हूँ। ओके इसको क्लोज कर देता हूँ, क्लोज विंडोज, क्लोज ऑल टैब्स। ओके फिर से ओपन करो, इस बार देखो गलतियाँ सारे के सारे ठीक हो जाएगा। देखा हो गया, कांट अभी भी पिक्चर का हाइट थोड़ा ठीक ठाक करना पड़ेगा। पिक्चर का हाइट घटाने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, रुको इधर आ, इधर जो पिक्चर का साइज है वो भी छोटा कर दो, 100 और 100, ये ठीक ठाक है। ओके सेव कर दो, उसके बाद इसको क्लोज करके फिर से ओपन करो, क्लोज विंडो, फिर से ओपन करो,
ये जो फॉन्ट है इसके नीचे ही आएगा, समझ में आ गया। रुको, नीचे जो टाइप है ये दबाने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। दिस इज़ माई फास्ट वेब पेज, इसको लिखने का ज़रूरत नहीं है। ओके, इसको ज़रूरत नहीं है। ओके, समझो, समझने का कोशिश करो तुम भी मेरे साथ साथ। देखो इधर 300 कर देते हैं, ओके, पर इसको 250 कर देते हैं। ओके, एक मीटर में स्पेस मार देते हैं और सेव कर देते हैं। उसके बाद इसको क्लोज कर देते हैं। देखो कैसे ठीक किया जा सकता है, आप लोग देख लो। कितना बढ़िया वाला वेब पेज बना दिया ना, देखो अच्छा लग रहा है ना अभी। अगर आप ही ऐसे बॉडी वीजी कलर सियन बैकग्राउंड कलर, तो बॉडी वीजी कलर सियन क्यों हो नहीं रहा है भाई, तो मेरे को पता नहीं चल रहा है। बैकग्राउंड कलर आ क्यों नहीं रहा है, आ जाना का चाहिए ना। रुको चेक करता हूँ, बहुत कुछ चेक चेक करके हो सकता है। बॉडी वीजी कलर एक साथ होगा, वीजी कलर एक साथ होगा, बॉडी वीजी कलर, ओके वीजी कलर एक साथ होगा, फॉन्ट कलर राइट, सब कुछ ठीक ठाक है। बॉडी वीजी कलर, बॉडी वीजी कलर, अब थोड़ा सेव कर देते हैं। एक रुक, अब नोट पैड में जाते हैं, इसको जाते हैं, इसको फिर से ओपन करते हैं। बॉडी वीजी कलर, अब समझ में आया, ठीक समझ में आया कुछ। दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज, फॉन्ट कलर, फॉन्ट कलर वाइट, फॉन्ट कलर वाइट, फॉन्ट कलर, फॉन्ट कलर वाइट। अच्छा, ये वाला फॉन्ट कलर वाइट, इसको भी चेंज कर सकते हैं ना। रुको एक सेकेंड, कलर सब कुछ करके दिखाते हैं। ओके इसको सेव कर देते हैं। रुको, इसके बाद देखो कैसे करता है। हो जा हो जा हो जा, उड़े साफ। अब सीख गया मैं कैसे क्या किया जा सकता है। ओके देखो कितना बढ़िया लग रहा है ना, ऐसे भी आप लोग भी मेरे जैसे वेब पेज बना सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।